सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एक और बढ़िया शानदार ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। और आज जो आप ब्लॉग देख रहे हो, ये इसकी क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी लग रही हो शायद, क्योंकि मैंने आईफोन ले लिया। तो अब जो भी आप ब्लॉग्स वीडियोस देखा करोगे वो आईफोन से शूट करा करूँगा मैं। अभी तक मैं MI Note 7 Pro से शूट करता था, तो उससे सीधे आईफोन में बहुत वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस आ गया है। तो आज मैं जा रहा हूँ आर्ट कैंप में, जो कि जीवाजी यूनिवर्सिटी गालब सभागार में आज से इवेंट स्टार्ट है। इंटरनेशनल इवेंट है और काफ़ी आउट ऑफ इंडिया से भी आर्टिस्ट आ रहे हैं। टोटल शायद 111 आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया से, ईरान से, सिंगापुर और भी कई जगह से। तो वहाँ पर ये जो इवेंट रहेगा ये 16 to 20 दिसंबर तक रहेगा। तो आप लोग भी आ सकते हैं देखने। आज फर्स्ट डे, आज 16 तारीख है, आज 16 है। तो आज मैं जा रहा हूँ फिलहाल वहाँ पर, जो भी सीन होगा जैसे भी। अभी फिलहाल 8 बज रहे हैं, हम लोगों को जल्दी बुलाया है मैम ने, तो वहाँ चलते हैं और जो भी सीन होगा आप सभी को दिखाऊंगा। और अभी से ब्लॉग को लाइक कर दो। फिलहाल आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी आप एकदम से सोच रहे होंगे कि इसने रोड दिखाना स्टार्ट क्यों कर दिया एकदम से, तो मैं आपको बता दूं, ये जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ ये है हजीरा रोड, और यहाँ से सीधे सीधे जाते हैं तानसेन नगर साइड। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद मैं अपने एक दोस्त को लेने वाला हूँ जिसका नाम है भूपेंद्र, तो वो भी मेरे साथ चले गए। और भूपेंद्र को लेके सीधे चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा भूपेंद्र से भी आपका परिचय करा देते हैं, तो कुछ ही मिनटों में आपके सामने भूपेंद्र आएगा, आप देख लेना। देख रहे हो गाइस क्या सनराइज़ हो रहा है सामने से, और ये आ चुके हैं भूपेंद्र सनराइज़ के साथ साथ। इतना लेट कर दिया मैं, पिछले 2-3 मिनट से यहाँ वेट कर रहा हूँ तेरा, क्या चक्कर है? मैंने ही लेट किया है, क्या चक्कर है? और जाना कितने बजे था अपन को, पहुँचा कितने बजे था? 9:30 और क्या, 9:30। वाह, अभी कह रहा 7:30, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भूपेंद्र जिनसे आपका परिचय हमने करा दिया। पहली बार आ रहा है ना तू मेरे ब्लॉग में, या पहले भी आ चुका है? पहली बार। कैसा लग रहा है क्या आप जगदीप शर्मा के ब्लॉग में आ रहे हैं? इतना लग रहा है क्या? इतना लग रहा है कि उसे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है, यूट्यूब पे नहीं देखेगा फिर खुद को? जब आएगी तब देखेंगे। हाँ तो कल आ जाएगी, तो चलो चलते हैं फिर। तो फिलहाल गाइस अभी हम आ चुके हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, सामने जीवाजी यूनिवर्सिटी का गेट है। अब चलते हैं अंदर, यहाँ पे और भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, विजय दिवस क्या दिखाई है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर का व्यू है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं गालब सभागार पर पहुंच गया हूं, आप पीछे देख रहे हैं यही गालब सभागार है। और पहुंच तो मैं बहुत पहले गया था, अभी यहां पर प्रिपरेशन चल रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग करने का, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब तो काफ़ी लोग आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो, ये गालब सभागार है मेरे जस्ट सामने, और ये पूरा सीन है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अभी आटे की गोलियाँ बनाई जा रही हैं। ये हमारे पारस भैया। हेलो, कैसे हो पारस भैया? जबरदस्त। तो क्या बना रहे हो यहाँ पर आप? ये यहाँ पे परफॉर्मेंस आर्ट हो रहा है, हमारे इंडिया के फेमस आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। कौन सी मैम? डिंपल शाह मैम है। डिंपल शाह, तो उनकी ये कुछ है परफॉर्मेंस का पार्ट है, उसके लिए हम लोग ये आटा, आटे की गोलियाँ बनाई जा रही है। न्यू दिल्ली। सर आप कहाँ से? मैं नई दिल्ली से आया हूँ। न्यू दिल्ली से जी? कब आए आप यहाँ? मैं कल रात को, यानी आज सुबह 3 बजे आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अरे यहाँ पर तो बस जिंदगी मेरी सारी बदल गई है, और लग रहा है दुनिया बहुत सुंदर है। अरे वाह। और ये हमारे सर, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम ब्रिजमोहन आर्या। ओके ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आटे की गोलियाँ बनाई जा रही हैं अभी। तो अभी यार यहाँ पर सब अपने कामों में बिजी हैं, क्योंकि 11 बजे से इवेंट स्टार्ट है। तो अभी मैं फिलहाल ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही इवेंट स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको सब अच्छे से दिखाऊंगा। अभी तो जो बूथ हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बूथ अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। ये हमारे हेमंत भैया यहाँ पर, हेमंत भैया ने भी पार्टिसिपेट करा। कैसे हो हेमंत भैया? बढ़िया। आपकी आपके कैनवास है क्या? नहीं, अच्छा। तो अभी तो यहाँ पर सब खाली खाली पड़ा हुआ है, और अभी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जैसे ही लग जाएंगे तब मैं आपको और दिखाऊंगा अच्छे से। और यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स, ये हमारे हर्षित भैया जो कि काफ़ी अच्छी रंगोली बनाते हैं, इनकी रंगोली अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप
आप अपना परिचय दें। क्या परिचय चाहिए बताइए। नाम और वॉलंटियर हो ना आप भी यहाँ? मतलब नाम ही नहीं पता इसको। देखो इस आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट है। कैसा आर्टिस्ट है, इसको दूसरे आर्टिस्ट का नाम भी नहीं पता है ना। तो मैं तो अपना नाम नहीं बताने वाली, इसकी प्रतिमा बोल रही हूँ। प्रतिमा आप कैसे याद आया? प्रतिमा हर्षित और इनको मैं नहीं जानता क्या, नंदिनी। तो यहाँ पर अभी सब प्रिपरेशन चल रही है और भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी वॉलंटियर हैं, टीचर्स हैं। तो जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होगा तब मैं आपको आगे की वीडियोस दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सब बिजी हैं अपने अपने कामों में, उसके बाद आगे का आपको व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस अभी है ना जीवाजी यूनिवर्सिटी में गालब सभागार से थोड़ी दूर पर, और वहाँ से रैली निकाल दी जा रही है। जो मैम परफॉर्मेंस करने वाली थी वो उन्हें स्टार्ट कर दिया, मैं फ़िलहाल लेट हो गया। और ये आप सामने देख रहे हो, ये मैम का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है। ये अब गालब सभागार तक जाएगी पूरी रैली। आप देखो पीछे एक बक्सा उसका पत्थर रखा है गाड़ी का, और ये मैम उसको खींचते हुए ला रहे हैं। तो गाइस अभी मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा मैम क्या बने हुए हैं, क्या रोल है। अभी जब बाद में पता चलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल सब लोग रैली ये चल रही है, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी बस चल ही रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ बताइए। मैम का रोल क्या है? ये एक तरीके से इसको आप परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं आप लोग अगर इसको। नहीं मैम बनी क्या है इस समय? ये अभी एक्ट पूरा होने पर बताया जाएगा, तो इनको भी नहीं पता। मैम का पूरा बताता हूँ अभी आपको। पहले मैं दुष्यंत सिंह कुशवाहा हूँ, वॉलंटियर हूँ। काला चश्मा लगा के रहते हैं मैम का। वृंदावन में भी देखा था उन्होंने मंकी एक्ट किया। पागल है। अरे बताओ अपनी बात कंटिन्यू करो आप। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट है। हाँ तो अभी सीधी बात ये है, अभी इनको भी नहीं पता है कि मैम का रोल मतलब मैम क्या बनी है। तो मुझे भी अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे अब आप देख सकते हैं मैम ने जो ये जो बनाया है पूरा ऐसा कुछ है। तो आर्ट परफॉर्मेंस मैम ने की है। तो ये मैम ने कुछ यहाँ पर ऐसे बनाया, डेली जो मैंने आपको दिखाई थी वो कंप्लीट हुई थी, फिर यहाँ पर मैम आई थी, और ये कुछ ऐसा है। तो वैसे अभी कुछ सीन ऐसा हो रहा है, अभी एक बच चुका है, और अभी क्या नाम है भैया आपका? अजय। अजय जी तो यूनिवर्सिटी से ही हो आप? हाँ। कौन सी ईयर? आर एम पी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। फ्रेंड के साथ ही हो? या ये तो मेरे बैचमेटी है ये। एक्चुअली हम लोग बैचमेट हैं और फ्रेंड्स हैं। मुझे आज ही यहीं पर मिले हैं, और एग्जीबिशन में भी काफी लोग आए हैं। जैसे पहले बैचमेट बन गया। रुक जा। एग्जीबिशन में भी काफी लोग आए ईरान से और साउथ कोरिया से, उनसे भी बात करी थी। अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं, ठीक है। अभी फिलहाल दिखाऊंगा आपको एग्जीबिशन, अभी मैंने आपको दिखाई नहीं है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने यहाँ पर। क्या अभी तो बना लेते हैं? मैं कुछ नहीं, इसका यूट्यूब चैनल बन जाता तो आज ये है ना कि बोल रहा होता ही। अभी फिलहाल हम खाना खाने जा रहे हैं सभी लोगों की भूख ज्यादा लग रही थी, तो चलते हैं फिर। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का दूसरा गेट, सेकेंड गेट। यहाँ पर कितनी दूर जाना है? अभी अतिथि गृह। अतिथि गृह अच्छा सामने ही। चलो चलते। तो गाइस अभी आपने जो देखा, सर पेंटिंग बना रहे थे, लाइव पेंटिंग। अभी इतनी पेंटिंग बन चुकी है,
सर अभी इसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? अभी टाइम लगेगा, ये देखना पड़ेंगे रन कैसे बैठ रहे हैं उसमें क्या। सर आप ग्वालियर से ही हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? हरी कृष्ण कदम। नंबर तो अभी इसमें 3-4 दिन और लगेंगे गाइस। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके स्टॉल। ये भैया ने यहाँ पर स्टॉल लगाया। भैया आप कुछ बताइए क्या चीज़ है, किससे बनती है ये? ये डोकरा कलाकृति है। डोकरा कलाकृति है। ये गोंड ट्राइब बनाती है, उसमें उपजाति भैरवा उपजाती है। हाँ। वो बनाती है और ये अपने छत्तीसगढ़ में बस्तर में बनता है और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र जैसे टीकमगढ़ बैतूल आदि में बनता है। अच्छा, और क्या ये आपके पास साड़ी है ये? हाँ, ये अपने भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे आदिवासी जो चीजें निर्मित करते हैं। हाँ। वो सब ये संस्था रखती है, गवर्नमेंट संस्था है। हाँ, ये क्या नाम है संस्था का? ट्राइफेड नाम है। अच्छा, और ये जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं, हेलो, ये नंदी बाबा, ये खाली है अभी यार, ये शायद आए नहीं है जिनने लिया है ये। तो अब मैम आपको बताएंगी अपने सभी पेंटिंग्स के बारे में। मैम भी ग्वालियर से ही हैं, तो चलिए मैम। जी, मैं ग्वालियर से, अभी बेसिकली मैं प्रेजेंटली बॉम्बे में शिफ्ट हूँ। अच्छा। पहले मैं ग्वालियर से जीवाजी यूनिवर्सिटी से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ओके। आफ्टर मैरिज मैं बॉम्बे में सेटल। ओके। आपका शुभ नाम? किरण चोपड़ा। ओके। मैं 20 वर्षों से इस लाइन में हूँ, काम कर रही हूँ। पहले मैं कलर में भी काम करती थी, लैंडस्केप और एब्स्ट्रैक्ट में करती थी। अच्छा। और अभी फिगरेटिव सेमी एब्स्ट्रैक्ट में करती हूँ और ज़्यादातर सीरीज को लेकर काम करती हूँ। तो ये मेरी पेंटिंग्स जो हैं आप देख रहे हैं, जहांगीर में शो था जो मुंबई पे किया था मैंने, मुंबई लेकर, मुंबई की थीम पर, तो वहाँ की ये डब्बा वाला जो है किस तरह से सर्विस देते हैं वो मैंने दर्शाया है इस पेंटिंग में। आपने डब्बा वाले का पूरा दर्शाया है, किस तरह से वो सर्विस देते हैं, क्या करते हैं। डब्बा वाला वो जो फेमस है वहाँ पर। जी हाँ। तो गाइस देखो आप कैसे मैम ने पेंटिंग में पूरा दर्शा दिया है डब्बा वाले का। ये सभी डब्बे जगह जगह से इकट्ठे करके एक पर्टिकुलर स्टेशन पे दादर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से सब अलग अलग जाते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैम, मेरे को सबसे अलग आपको ही लगा यहाँ पर। थैंक यू सर। ये वहाँ का स्लम एरिया है जी, ये भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर सब गरीब लोग ही रहते हैं एक्चुअली, और किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं पाइपलाइन में और छोटे छोटे ये इनके घर बने हुए हैं लकड़ियों के, उसमें रहते हैं। ओके। ट्रेन में यहाँ पर ये फल बेच रहे हैं और लोग खड़े भी हैं पकड़ के, और जो पब्लिक ट्रेवल करती है ट्रेन से डेली ऑफिस जाते हैं, अपने अपने काम से जाते हैं, किस तरह से जाते हैं। ये क्या चीज है? ये ट्री ऑफ लाइफ, ये एक लेडी की का फेस है और एक जेंट्स का फेस है। अच्छा, ये लेडीज का फेस है, ये जेंट्स का है, और इसमें लाइफ दर्शाई मैंने। ब्यूटीफुल। इसका टाइटल ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ टाइटल इसका जी। ओके। और ये होम विद नेचर, नेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, हम नेचर के साथ रहते हैं सब लोग, उसमें क्या क्या आ जाता है, सब एनिमल्स हैं उसमें, पक्षी हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे नेचर के साथ, प्लांट्स हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अमेजिंग। वुमन पावर, हॉर्स है, नारी शक्ति को बताया गया है और उसमें कितनी ताकत, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो मैम का कलेक्शन काफी प्यारा है, मैम इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, काफी कितने जगह बताया था आपने? 32 यूएस, यूके, इजिप्ट, रशिया। मैम जा चुके हैं वहाँ पर इवेंट करके आए हैं, 32 बता रहे थे ना, 34 सोलो शोज मैम के हो चुके हैं अभी, पार्टिसिपेट काफी अलग अलग जगह किया। मैम के सच में वर्क काफी ज्यादा हटके है, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा।
और अभी मैं फिलहाल काले रंग को लेकर ही शो कर रही हूँ। अच्छा, तभी आपका पूरा ब्लैक पेंटिंग है आपकी, सब ब्लैक कलर से, बहुत प्यारी है मैम सारी पेंटिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं आपको दूसरा स्टॉल दिखाने वाला हूँ। सारे स्टॉल अभी कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ स्टॉल कवर कर रहा हूँ। और जैसा कि ये सर है हमारे साथ, सर व्हाट्स योर नेम? हादी। हादी मोहम्मद हादी सचवाइये। वेयर आर यू फ्रॉम? ईरान। ईरान, ईरान या शिराज सिटी। ओके, सो यू नो हिंदी? A little, but you understand Hindi? Yeah, but okay. I tell you about the khatamkari. That what's the name? Khatamkari. 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 K H. Khatamkari. Yeah, okay. Khatamkari. Its material is wood. Wood. This is wood. Okay. Okay. And golden part is bronze. 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 Yeah. Okay. I originally is wood. Yeah. This is wood. Okay. This is wood. Yeah. Okay. And then. Polished. This is a pen holder. Yeah, pen holder. Okay. Another is boxes for dry food. Boxes for dry fruits. Yeah. So beautiful. Yeah. And this base is copper. This base is copper. Yeah, copper. And also this one, this technique is same, similar. This is khatamkari. Khatamkari. Yeah. Okay. So, what's the price? It's different, the material, different size. Maybe, for example, for this is 4,800. 4,800. Yeah. Okay. And this is also different. This is firuza. Which material you used? Base is copper also. Okay. And this part is firuza stone. Stone. Which stone? Firuza. Firuza stone. Firuza stone. Okay. Yeah. So you used froze stone? Yeah, froze stone. Okay. Yeah, put on the base of copper and polish. देख रहे हो गाइस क्या सुंदर लग रहा है यार। Painted. Oh, तो ये सबने देखो पेंट करा है लेकिन लग ही नहीं रहा ये हाथों से बनाया। And then cooked. And then cooked it. And yeah, is washable now. Washable. You can मतलब आप wash भी कर सकते हैं तो भी कलर नहीं निकलेगा। You can use for decoration and also use for dry food and so dry fruits. And okay. Maybe. And what is this? This is some base is cotton. For example, this is for table and. Maybe for the shawl. Yeah. Okay. This is hand black printed. Hand black printed. Printed, yeah. Okay. All Iranian design. Iranian design, yeah. So what's the price? Different size. For example, for this, 1,900. Yeah, it's different. तो गाइज ये था आज का व्लॉग, और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया मेरी कोचिंग का, तो अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ अपनी, और यहाँ से सीधा कोचिंग जाता हूँ, उसके बाद फिर एडिटिंग भी करनी है घर जाकर। ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से नहीं दिखाया। कल आपको जो दिखाना रह गया, जो स्टॉल मैंने अभी नहीं दिखाई हैं, और भी आर्टिस्ट से मिलवाऊंगा कल, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना। इस व्लॉग को फ़िलहाल मैं यहीं पर एंड करता हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो आपको तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।